नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल BK सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है हिंदी का संधि, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का संधि और वो संधि विच्छेद। तो संधि के पूरे प्रकार बताने वाले हैं, एक एक परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को चालू करते हैं तो उसके लिए उसकी परिभाषा, उसका अर्थ जानना जरूरी है और आना भी चाहिए। दोस्तों, किसी टॉपिक को हम चालू कर रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए। तो संधि टॉपिक पढ़ रहे हैं तो संधि का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दूँ, संधि आपने सुना होगा, राजा महाराजा जो पहले इतिहास में जो युद्ध वगैरह होते थे तो दो राजा है संधि कर लेते थे, संधि का मतलब समझौता कर लेते थे, दोनों आपस में मिल जाते थे। तो वही सिस्टम इसमें है, एक ही अर्थ होता है कि संधि का मतलब जुड़ना होता है। तो हिंदी में अलग सिस्टम हो जाता है, और जो वह पहले संधि होती थी वो दो जैसे मानव मिलते थे या दो राजा मिलते थे, यहाँ पर मिलेंगे दोनों, लेकिन वो कुछ क्या मिलेंगे वो बताने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ, संधि का मतलब होता है हिंदी में वर्ण या शब्द या वाक्य, क्योंकि संधि में ये तीन ही हैं, वर्ण शब्द वाक्य तीनों ही मिलेंगे, आप इसमें कुछ ना कुछ निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण मिलेंगे यहाँ पर संधि में, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि की जो सामान्य परिभाषा है, आम भाषा है, आप भी जानते होंगे, आपने बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा होगा, संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और इसकी आप जैसे बड़े होंगे तो 11वीं 12वीं में आप पढ़ोगे, जब कंपटीशन में आप संधि की परिभाषा पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा आपको लिखा देता हूँ, आप भी साथ साथ नोट्स बनाते रहना। आज का जो टॉपिक है वो है संधि। तो दोस्तों, संधि कैसे कहते हैं, सबसे पहले सामान्य परिभाषा लिख लो आप, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सामान्य जो परिभाषा है वो है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर आप और नहीं देखना चाहते हो तो आपको बता दूं मैं, या जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम या उसे संधि कहते हैं। तो दोनों परिभाषा हमने लिखा दी है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर आप ये भी, दोनों परिभाषा सही है अपनी अपनी जगह, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और ये परिभाषा में है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आप परिभाषा उतारो, परिभाषा उतारने के बाद आपको सबसे पहले संधि के जो भेद हैं वो बताने वाला हूँ, संधि के कितने भेद हैं उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण बताने वाला हूँ, संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, संधि के जो प्रकार हैं वो तीन होते हैं, संधि के तीन प्रकार होते हैं, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। संधि के जो भेद है, सबसे पहला भेद है स्वर संधि, स्वर संधि व्यंजन संधि, और जो तीसरा है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपने पहले पढ़ा होगा बचपन में, ज़रूर पढ़ा होगा क्योंकि हिंदी में यह टॉपिक शुरू से चलता आ रहा है। तो संधि के जो तीन भेद होते हैं, पहला है स्वर संधि,
दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तीन भेद होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के जो कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। तो स्वर संधि के पांच भेद कौन कौन से होते हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको परिभाषा मैंने बता दी, तीन प्रकार होते हैं ये आप उतार लीजिए, और संधि के जो स्वर संधि के भेद है वो बताने वाला हूँ। दोस्तों बात करेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। अब बात करेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा स्वर का मतलब दो स्वर होंगे, संधि का मतलब जुड़ना। जब दो स्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि का मतलब जुड़ना, स्वर का मतलब दो स्वर होने चाहिए, तो दो स्वर का जुड़ना ही स्वर संधि कहलाता है। तो आप ऐसे परिभाषा बोल सकते हो कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न होता है, तो उस विकार को ही स्वर संधि कहते हैं। तो परिभाषा मेरे साथ लिखिए आप, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उस विकार को ही स्वर संधि कहते हैं, उस विकार को ही। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, उस विकार को ही स्वर संधि कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई हमारी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उस विकार को ही हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर मिलने चाहिए, मिनिमम दो स्वर मिलने चाहिए। जब दो स्वर मिलेंगे तभी विकार होगा, क्योंकि संधि का मतलब जुड़ना होता है, जुड़ेंगे तभी विकार उत्पन्न होता है। क्योंकि संधि की जो परिभाषा होती है वो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उस विकार को संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा मैंने बता दी। अब स्वर संधि का जो भेद है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्वर संधि के पाँच भेद बताए थे मैंने, तो स्वर संधि के पाँच भेद लिख लीजिए आप। स्वर संधि के पांच भेद निम्न है। स्वर संधि के पांच भेद निम्न है, तो कौन कौन से भेद है। सबसे पहला दीर्घ संधि, सबसे पहला हो गया दीर्घ संधि। दूसरा हो गया गुण संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, चौथा हो गया यण संधि, और जो पांचवा है वो हो गया अयादि संधि, अयादि संधि। तो स्वर संधि के पांच भेद हो चुके हैं। स्वर संधि के पांच भेद मैंने लिख दिए हैं कि दीर्घ संधि, पहला दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। तो स्वर संधि के पांच भेद हो चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इनके प्रकार पढ़ेंगे, प्रकार का मतलब इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, इनके उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण में आपको बताऊंगा कैसे कैसे आता है संधि, संधि विच्छेद कैसे होते हैं, संधि कैसे होती है वो बताने वाला हूँ। जो जब वर्ण मिलते हैं कैसे संधि होती है, विकार कैसे उत्पन्न होता है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इनको उतार लीजिए। अब दीर्घ संधि अगला जो हेडिंग है वो आप दीर्घ संधि उतार लीजिए। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आप हेडिंग उतार लीजिए। इसका मतलब क्या होता है दीर्घ संधि का,
जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो समान स्वर आपस में मिलने के बाद वो दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ मतलब बड़े हो जाते हैं। इसकी पहचान यही है कि मात्रा बड़ी हो जाती है, जो मात्रा है बड़ी हो जाती है। जैसे लिखिए, फिर आपको बताता हूँ कैसे कैसे आता है। तो दीर्घ संधि का मतलब होता है, या आप दूसरी परिभाषा में आपको बताने वाला हूँ वो भी, जब दो समान स्वर, ये जो मैंने प्रकार बताए हैं इनमें स्वरों की जरूर बात होगी, क्योंकि दोस्तों स्वर संधि के ये भेद हैं। तो दीर्घ संधि का मतलब होता है जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ का मतलब बड़े हो जाते हैं। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। ये दूसरी परिभाषा आपको बता दूँ, जब पूर्व पद और उत्तर पद, जो पूर्व पद होता है वो दीर्घ होना चाहिए और जो लास्ट का अंतिम पद है वो भी दीर्घ मतलब स्वर होना चाहिए, समान स्वर होना चाहिए, तो वह दीर्घ हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो दोस्तों दीर्घ संधि की परिभाषा हो गई। अब इसका मैं जो सूत्र होता है वो बता देता हूँ, पहचान क्या होती है। पहचान होती है मात्रा बड़ी हो जाती है, मात्रा है वो बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले आप इनको उतार लीजिए, ये उतार लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले सूत्र होता है, जो इसका नियम होता है वो होता है, जब ए या आ के बाद समान स्वर आए, मतलब ए के बाद ए या आ आए, तो वह दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाता है, बड़ा मतलब पहचान होती है, इसकी मात्रा बड़ी हो जाती है। यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाती है, मतलब समान स्वर होने चाहिए, वो दीर्घ हो जाता है। यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है, तो बड़ा ऊ हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। या छोटी री बड़ी री के बाद में छोटी री बड़ी री आ जाती है, तो वो दीर्घ हो जाता है। यह इसका जो नियम है, यदि ए या आ के बाद ए या आ जाए तो वो आ हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी आ जाता है शब्द में, वाक्य में जो भी है, वो दीर्घ हो जाती है। यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। यदि छोटी री और बड़ी री के बाद में छोटी री या बड़ी री आ जाता है तो बड़ी री हो जाता है। इसके उदाहरण से हम समझेंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, विद्या प्लस आलय, तो आपको दिख रहा होगा विद्या प्लस आलय, ये संधि विच्छेद है ऑलरेडी। तो जो विद्या में जो लास्ट का जो ये पद है धा, इसमें किसकी मात्रा आ रही है आ, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, और यह शब्द में क्या आ रहा है आ, तो आ प्लस आ मिलके क्या होंगे, बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो आप पहला नियम इसमें अप्लाई हो रहा है, यदि या तो ए आए या आ आए, यदि या यहाँ पर ए आता यहाँ पर आ आता तब भी दीर्घ होता, यदि यहाँ पर आ आता यहाँ पर ए आता तब भी दीर्घ होता। तो यहाँ पर समान स्वर आ चुके हैं, आ प्लस आ बराबर आ, तो आ प्लस आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विद्यालय। ये तो संधि विच्छेद हो गया यार, ये संधि हो गया, मतलब दो वर्णों के जो मेल है वो मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न होने के बाद जो शब्द बना विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या के लिए आलय है विद्यालय होता है।
तो सबसे पहला जो नियम है उसका मैंने उदाहरण आपको बता दिया है, तो आपको दिख रहा होगा पहला जो नियम था उसका हमने उदाहरण आपको बता दिया, विद्या प्लस आलिया विद्यालय, इसमें आ की मात्रा आ रही है दोनों तरफ, जो इसमें भी आ की मात्रा, इसमें भी आ की ध्वनि आ रही है, तो आ हो गया। अब दूसरा है छोटी ई या बड़ी ई के बाद में यदि छोटी ई बड़ी आ जाती है तो वो बड़ी ई हो जाती है, उसका उदाहरण ये रहा दोस्तों। आपको बता दूँ रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो वी में छोटी वी में किसका जो ध्वनि है वो आ रही है छोटी ई की, छोटी ई की ध्वनि आ रही है, आप बोल के चेक कर सकते हो प्लस का निशान ऐसे कैसे, ये छोटी है तो ये भी छोटी छोटी, ऐसे कैसे ध्वनि आ जाएगी, दो समान स्वर हो गए, छोटी ई यहाँ पर हो गया, छोटी ई यहाँ पर हो गया, तो ये मिलकर दीर्घ हो जाएंगी, बड़ी ई हो जाएंगी। रवि प्लस इंद्र वी के अंदर है वो ई की ध्वनि आ रही है, और इंद्र में छोटी ई की मात्रा, इसमें ध्वनि आ रही है, तो छोटी ई मिलकर बड़ी ही हो जाएगी, तो बड़ी ही हो जाने के बाद ये जो शब्द होगा वो होगा रविंद्र, क्योंकि दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ भी छोटी जो रवि आ रहा था ये बड़ी मात्रा हो जाएगी, रविंद्र हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। अगला उदाहरण चेक कर लेते हैं हम, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाता है तो वो क्या होता है, बड़ा ऊ हो जाता है, तो उसका उदाहरण ये रहा, आप दिख रहा होगा छोटा गु है, उसमें छोटा ऊ की मात्रा आएगी, ध्वनि आ रही है, प्लस का निशान ऐसे कैसे, उर्मी में ये जो है आपको दिख रहा होगा छोटा ऊ, ये छोटा ऊ ऐसे कैसे आ जाएगा, दोनों समान स्वर हैं, दोनों छोटे हैं, तो ये दोनों छोटे मिलकर बड़े हो जाएगा, मतलब दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर, तो लघु उर्मी, तो ये हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा लघुर्मी, संधि विच्छेद करने के बाद होगा जो संधि होगी इसकी लघुर्मी होगा। अगर ये शब्द आपको एग्जाम में देता है तो इसका सब संधि विच्छेद होगा वो ये होगा लघु प्लस उर्मी, आपसे एग्जाम में संधि विच्छेद करवाएगा, ये नहीं पूछेगा, ये आपको सीखना है, ये वाला है वो सीखना है आपको, कैसे मतलब कोई कठिन आ जाता है और आपको याद नहीं है उदाहरण, तो आप इनको निकाल के भी संधि, आप संधि विच्छेद कर सकते हो। तो तीन उदाहरण हो गए, चौथा उदाहरण है जो इसका उदाहरण है ये वाला, बड़ी छोटी की मात्रा का तो देख लिया, बड़ी ई की मात्रा का देख लेते हैं, कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस, तो छोटी पी में है वो छोटी ई की मात्रा है, मात्रा की ध्वनि आ रही है, और बड़ी ई में बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि आ रही है, तो छोटी ई बड़ी ई समान स्वर है, एक ही जाति के हैं, तो ये दीर्घ हो जाते हैं। छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी आ जाता है तो वो दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ तो छोटी ई आ चुकी है, यहाँ पर बड़ी ई आ चुकी है, तो ये मिलकर बड़ी ई हो जाती है, मतलब दीर्घ हो जाता है, तो इसका जो संधि होगा वो होगा कपीस, इसका जो संधि होगा वो कपीस होगा, क्योंकि संधि विच्छेद है ये दोनों जुड़कर, क्योंकि दो वर्ण आपस में मिलेंगे, विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो शब्द बनेगा वो कपीस बनेगा। अब दोस्तों लास्ट का जो उदाहरण है, छोटी री बड़ी री के बाद यदि छोटी री बड़ी आ जाती है तो वो बड़ी री हो जाती है, मतलब दीर्घ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम दीर्घ स्वर संधि के जो उदाहरण हैं या भेद हैं वो पढ़ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, तो त्रि में आपको दिख रहा होगा छोटी री, छोटी री, क्योंकि आदत है और रह है, तो छोटी री प्लस ऋण है वो उसमें भी छोटी री, या आप बड़ी री या छोटी री भी कर सकते हो, तो उसमें भी वो दीर्घ होगा, क्योंकि बड़ी री आने वाली है, क्योंकि पहचान है मात्रा बड़ी हो जाती है, तो आपको ये याद रखना है मात्रा बड़ी हो जाती है, तो इसका जो संधि होगा वो होगा पितृण, इसका जो संधि होगा वो होगा पितृण, आपको दिख रहा होगा पितृ प्लस ऋण पितृण, छोटी री बड़ी री मिलके बड़ी री हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बताया संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद क्या हैं, तो दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद उनमें विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा के बाद मैंने बताया कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद मैंने बताए आपको, सबसे पहले स्वर संधि की है जो परिभाषा बताई मैंने, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उस विकार को ही स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि नाम में ही अर्थ छुप रहा है कि स्वर संधि,
संधि के मतलब आपस में जुड़ना और जुड़ते हैं वो एक तो जुड़ता नहीं है, दो कम से कम स्वर हो या दो वर्ण हो। तो स्वर संधि पढ़ रहे थे, तो स्वर संधि मतलब दो समान दो स्वर है वो जुड़ेंगे। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद के बारे में मैंने बताया, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, जिसमें पहला दीर्घ संधि, दूसरा है वो गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है वो अयादि संधि था। तो सबसे पहले दीर्घ संधि आज हमने कंप्लीट की। दीर्घ संधि की परिभाषा मैंने बताई, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उस विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, उसका मैंने नियम बताया, जब ए या आ के बाद ए या आ जाए मतलब समान स्वर आ जाए तो वो दीर्घ हो जाता है। यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में छोटी ई बड़ी ई आ जाती है तो बड़ी ई हो जाती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो बड़ा ऊ हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। और छोटी री और बड़ी री के बाद में छोटी री बड़ी री आ जाती है तो बड़ी री हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। उसमें उदाहरण बताया पहले का मैंने, विद्या प्लस आल है, उसमें यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही थी, यहाँ पर भी आ की ध्वनि आ रही थी, दोनों को मिलाया तो दोनों को मिलाने के बाद वो दीर्घ हो जाता है, क्योंकि नियम कहता है और परिभाषा कहती है। तो यहाँ पर आ हो गया, तो इसका जो संधि हमने मिलाया तो विद्यालय हो गया। अगर आपको ये शब्द देता है तो इसका संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होगा। दूसरा था छोटी ई बड़ी ई के बाद में, तो उसका जो दो मैंने उदाहरण लिखवाए छोटी ई का बड़ी ई का, इसमें दोनों छोटी ई की मात्रा की ध्वनि आ रही है, क्योंकि छोटी छोटा वी है तो उसमें ई की छोटी ई की मात्रा, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती है, तो उसका संधि हो जाता है रविंद्र। अगला है कपी प्लस ई, छोटी कपी में छोटी ई की मात्रा की ध्वनि है, बड़ी ई में बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि है, ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ हो जाते हैं, कपीस हो जाते हैं। अगला उदाहरण था ऊ या ऊ के बाद, तो उसका उदाहरण था लघुर्मी, मतलब लघुर्मी मतलब लघु प्लस उर्मी, छोटा गु है तो उसमें छोटा ऊ की मात्रा की ध्वनि आ रही है, उर्मी में छोटा ऊ की मात्रा की ध्वनि आ रही है, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है, तो उसमें संधि होगा लघुर्मी। अगला था छोटा री बड़ा री के बाद में, तो पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, तो आपको दिख रहा होगा ये त्रय में छोटी री है और जो ये री है उसमें भी छोटी री है, तो दोनों री मिलकर बड़ी री हो जाती है, तो इसका जो संधि होगा वो होगा पितरण। तो आज की इस वीडियो में मैंने संधि के दीर्घ संधि कंप्लीट की, अगली वीडियो में जो बाकी की संधि है उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।